आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और इस समय की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हालांकि पिछले बार की बात करें जब लॉकडाउन को एक्सटेंड करना था तो रविवार को नोटिफिकेशन आई थी और ये कहा था कि जो लॉकडाउन है कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन को जो है वो सोमवार यानी 17 तारीख तक बढ़ाया जाएगा। अभी कुछ देर पहले की बात करें तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं द कोरोना कर्फ्यू इम्पोज इन ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टिल 7 AM ऑन मंडे 17/5/2021 जो कि सोमवार को सुबह 7 बजे तक था, अब इसको बढ़ा दिया गया है अगले सोमवार तक। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो लॉकडाउन कर्फ्यू इम्पोज किया गया था जो कि 17/5/2021 तक यानी जो सोमवार आ रहा था सुबह 7 बजे तक जो कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन था उसको इम्पोज किया गया था, अब इसको बढ़ाकर जो है वो अगले सोमवार 24/5/2021 तक जो है वो किया गया। द कर्फ्यू विल बी स्ट्रिक्ट एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू एसेंशियल सर्विसेज। एक बार मैं ये ट्वीट आपको बताना चाहूँगा, ये आप ट्वीट देखिए DIPR J&K द्वारा इस चीज़ की जो जानकारी है वो दी गई और लिखा हुआ है द कोरोना कर्फ्यू इम्पोज इन ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K टिल 7 AM ऑन मंडे 17/5/2021 इज एक्सटेंडेड फर्दर टिल 7 AM ऑन मंडे 24/5/2021 द कर्फ्यू विल बी स्ट्रिक्ट एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू एसेंशियल सर्विसेज। जिस तरीके से पहले भी ये साफ कर दिया गया था, ये क्लियर कर दिया गया था कि पिछला जब कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया था तो साफ तौर पे ये कहा गया था कि सख्ती से जो है इस कोरोना कर्फ्यू को इम्पोज किया जाएगा और हमने देखा भी जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो सख्ती से जो है इसको इम्पोज कर भी रहे थे और कुछ जगहों पर हमने देखा कि कुछ लोग लापरवाह थे लेकिन मीटिंग्स हाई ऑफिशियल मीटिंग जो है उनका दौर हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की भी आज मीटिंग हुई और जिसमें ये जितने भी नंबर ऑफ केसेस पिछले एक हफ्ते से, हालांकि आंकड़े जम्मू कश्मीर यूटी में कम जरूर हुए हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस के, जहां पर आंकड़ा एक दिन की बात करें तो 6,000 टच कर रहा था वहीं पर अब वो आंकड़े जो है नीचे जरूर आए हैं और कहीं 3800 कहीं 4500 कहीं 4700 क्योंकि 6,000 के आसपास आंकड़े टच कर रहे थे। लेकिन नंबर ऑफ डेथ की बात करें तो कभी 60 लोग कभी 52 लोग जो हैं उनका COVID-19 की वजह से जान जा रही है, ये आंकड़ा जो है वो रोज सामने आ रहा है। लेकिन तमाम मीटिंगों के दौर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और उनकी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आला अधिकारी की टीम थी उनके साथ जब मीटिंग की गई और उन्होंने पूरा जायजा लिया कि आखिरकार क्या इस 17 तारीख की बात करें तो क्या 17 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, तो मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि नहीं अभी कुछ और दिन जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा और अब जो लॉकडाउन है 17/5/2021 यानी सोमवार को, जो आने वाला सोमवार है, आज शनिवार है, कल रविवार और परसों जो सोमवार था तब तक 17/5/2021 तक जो है सुबह 7 बजे तक एक्सटेंड किया गया था। एक बार दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है इसको बढ़ाकर 24/5/2021 तक किया गया है, ये अभी की सबसे बड़ा अपडेट है। और आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि जिस तरीके से बढ़ते कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और सरकार ने फैसला लिया है कि अब इस कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा, और आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और अश्विनी मंटू जी कह रहे हैं गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुड बी इम्पोज्ड इमीडिएटली अदरवाइज रब रखा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की जरूरत तो बहुत ज़्यादा थी और जिस तरीके से बढ़ते केसेस सामने आ रहे थे, नंबर ऑफ डेथ की कैजुअलिटीज लगातार सामने आ रही थी, आंकड़े कभी 55 कभी 60 हम रोज आपको मीडिया बुलेटिन के थ्रू जो है वो आंकड़े आप तक पहुँचाते हैं और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के आंकड़े सामने आए तो माथापच्ची होती है, टीम बैठी जाती है, मीटिंग्स का दौर होता है, तो सब कुछ ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि क्या अब कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या फिर खोला जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पर मद्देनज़र रखते हुए अब ये फैसला जो सामने आया है कोरोना कर्फ्यू जो कि 17/5/2021 तक था उसको बढ़ाकर 24 तारीख तक कर दिया गया है। हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम अपडेट्स आप तक जो है समय समय पहुँचाएँ। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं बस इसके साथ राहुल खत्री बाहु एक्सेस के लिए।